हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज एक फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आपने प्लान बना लिया है कि सोलापुर गड्ढा यात्रा देखने के लिए जाने वाले हो, तो कैसे जाने का, सोलापुर स्टेशन से कैसे जाने का, ये पूरा आपको इस वीडियो व्लॉग में आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरा व्लॉग देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। तो अभी फिलहाल अपने स्टेशन से जा रहा हूँ, मैं अपने गाँव से दूधनी स्टेशन है, यहाँ से मैं अभी ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। उद्यान एक्सप्रेस है, यहाँ से सोलापुर उतरने वाला हूँ। सोलापुर उतरने के बाद सोलापुर से आगे कहाँ जाने का है, सिद्धेश्वर पेट को कैसे जाने का, कहाँ से ऑटो पकड़ने का, पूरा इस व्लॉग में आपको पूरा आपको जानकारी मिलने वाला है। तो पूरा इस वीडियो को देखिए दोस्तों, पूरा आपको नॉलेज मिलने वाला है। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, वरना आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि सोलापुर गड्ढा कैसे जाने का होता है, कहाँ पर उतरने का होता है, कहाँ पे जाने का होता है, पूरा इस वीडियो में मालूम पड़ने वाला है। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओला पूर्णपणे बघा, तुम्हाला सगळं माहिती मिळेल माझ्या चॅनलवरती। हे बघा मित्रांनो, हे देखिए दोस्तों सिद्धेश्वर एक्सप्रेस, उद्यान एक्सप्रेस आ चुकी है यहाँ पे। अभी इसमें चढ़ के जाने वाला हूँ, मैं सोलापुर उतरने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली अभी सोलापुर स्टेशन पे आ चुका हूँ, और यहाँ से मुझे बाहर जाने का है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलने का है, और वहाँ से हमें ऑटो पकड़ना है। और कौन सा ऑटो पकड़ना है वो आपको बताऊँगा इस वीडियो में। जल्दी से चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों फाइनली बाहर आते ही यहाँ पे ऑटो लगे हुए रहते हैं। यहाँ से आप सिद्धेश्वर पेट बोल भी सकते हो और सोलापुर गड्ढा यात्रा भी बोल सकते हो। यहाँ से आपको ऑटो डायरेक्टली मिल जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही लेफ्ट आके यहाँ पे आना है, और यहाँ से ऑटो पकड़ के हमको जाना है। फाइनली दोस्तों, यहाँ से स्टेशन से बाहर आते ही यहाँ पे गांधी चौक आता है, यहाँ से आपको ऑटो पकड़ना है। सिद्धेश्वर मंदिर भी बोल सकते हैं, सिद्धेश्वर पेट भी बोल सकते हैं। यहाँ से कहीं से भी आप ऑटो पकड़ के डायरेक्टली सोलापुर गड्ढा यात्रा को जा सकते हैं। दोस्तों अभी भाई तुरंत यहाँ से ऑटो पकड़ के वहाँ पहुँचते हैं, और आपको बताऊँगा कहाँ से कहाँ उतरना है। फाइनली दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे पुल है, और यहाँ से मेन गेट है अंदर जाने के लिए। और मुझे ऑटो से आने के लिए यहाँ तक 20 रुपये, यानी 10 रुपये भी लेते हैं, 20 रुपये भी यहाँ से पहुँच सकते हैं। और यहाँ से अंदर गेट है, मेन गेट है यहाँ पे, और 2-4 गेट है यहाँ से जाने के लिए, अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्री है। आप बाइक अंदर नहीं लेके जा सकते, आप बाइक बाहर पे लगा सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। दोस्तों वहाँ से गेट से अंदर आते ही यहाँ से अंदर एंट्री गेट है, आप यहीं से अंदर जा सकते हैं और अंदर का नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि कैसे आना है सोलापुर स्टेशन से गड्ढा कैसे आने का। आप कहीं से भी आ सकते हो सोलापुर में, कोई किसी भी कोने से आ सकते हैं, खेड़े गांव से या कोई कौन से भी गांव से आ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे आने का सोलापुर गड्ढा में। तो फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।